दोस्तों, फिल्मों में हम ऐसे कई कलाकारों को देखते हैं जिनकी एक्टिंग हमें बहुत पसंद आती है, पर उनके असल नाम से हम वाकिफ नहीं होते। इन कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी हमें उनसे जोड़े रखती है और अक्सर इन कलाकारों को हम इनके द्वारा निभाए गए किरदारों के नाम से ही बुलाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है अभिनेता यूनुस परवेज के साथ भी। हम में से कई उनके असली नाम या शख्सियत से वाकिफ नहीं होंगे, पर हिंदी सिनेमा के मशहूर लाला जी का जिक्र होने पर कोई भी सिने प्रेमी इन्हें झट से पहचान लेगा। तो दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बॉलीवुड में लाला जी के किरदारों के लिए जाने जाने वाले यूनुस परवेज की जिंदगी से जुड़े पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए अभिनेता यूनुस परवेज के सफर के बारे में। यूनुस परवेज का जन्म 10 अगस्त 1931 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। यूनुस का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला था। यूनुस के पिता यूपी पुलिस में काम करते थे। पिता का तबादला अक्सर हुआ करता था, इसलिए उनका परिवार उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रह चुका था। यूनुस का बचपन भी कुछ ऐसे ही बीता। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद यूनुस परवेज ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। आपको बता दें कि कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही यूनुस का झुकाव एक्टिंग की ओर होने लगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रंगमंच की दुनिया में यूनुस को काफी आकर्षित किया। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान उनको हरिवंश राय बच्चन जैसे महान शिक्षकों के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने का मौका भी मिला। अपनी पढ़ाई के दौरान यूनुस ने इंटरसिटी यूथ फेस्टिवल्स में भी हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई थी। उन्हें बेस्ट एक्टर का सम्मान भी मिला और लोकल अखबारों में उनके ऊपर खबरें भी प्रकाशित हुईं। ऐसा कहा जा सकता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना यूनुस के जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम था। यहां से एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पीएचडी करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एक दोस्त से मिलने के लिए यूनुस को दिल्ली जाना पड़ा। इसी दोस्त ने उनको दीवान वीरेंद्र नाथ से मिलवाया। दीवान वीरेंद्र नाथ एक जाने माने लेखक थे। दीवान वीरेंद्र नाथ के साथ एक बार एक पार्टी के लिए यूनुस परवेज रूसी दूतावास गए। वहां रंगमंच पर चर्चा हुई। वहां यूनुस परवेज की मुलाकात रंगमंच के कई दिग्गजों से भी हुई। यहां मौजूद दिग्गजों ने यूनुस को थिएटर ज्वाइन करने की सलाह दी। साल 1959 में यूनुस थिएटर से जुड़ गए और ये सफर करीब 4 सालों तक चला। थिएटर से जुड़े अपने करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण नाटकों में हिस्सा लिया। एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मिश्र के राष्ट्रपति नासिर हुसैन के भारत आने पर शकुंतला नाम के नाटक का मंचन करवाया था। आपको बता दें कि इस नाटक का हिस्सा यूनुस परवेज भी थे। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय थिएटर की हालत अच्छी नहीं थी। तब यूनुस ने अपनी किस्मत बॉलीवुड के गलियारों में आजमाने की सोची। वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई आ गए। उन्हें साल 1963 में कण कण में भगवान नाम की फिल्म से अपनी फिल्म पारी की शुरुआत करने का मौका भी जल्द मिल गया। ये एक धार्मिक फिल्म थी। आगे चलकर यूनुस ने सहेली, पिंजरे के पंछी, हसीना मान जाएगी, बम्बई रात की बाहों में, प्यार की कहानी, मेला, उपहार, पारस, कहानी किस्मत की, हेरा फेरी, फरिश्ता या कातिल, त्रिशूल, गोलमाल, मिस्टर नटवर लाल, शान, चक्र, लावारिस, हमसे बढ़कर कौन, सवाल, अवतार, सौतन, मजदूर, ऑलराउंडर, यादगार, लैला, संजोग, आग और शोला, राजा जी, क्रांति, दिल परदेसी हो गया, बंटी और बबली जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करके यूनुस को सबसे पहली पहचान फिल्म हसीना मान जाएगी नामक फिल्म से मिली थी, जिसमें उन्होंने एक पंजाबी चौकीदार की भूमिका अदा की थी। साल 1971 में आई फिल्म उपहार में मांझी ढूंढे नैया किनारा नामक गीत इन पर फिल्माया गया था। इस गाने के कारण भी यूनुस को काफी लोकप्रियता मिली थी। उनका एक और लोकप्रिय किरदार था रहीम चाचा का, जिसको उन्होंने फिल्म दीवार में निभाया था। इस फिल्म के बाद उनके पास ऑफर्स की ढेर लग गई। साल 1975 से लेकर 1955 तक यूनुस ने खूब काम किया। ये पीरियड उनके करियर का गोल्डन पीरियड था। इस धुरंधर अभिनेता की अंतिम फिल्म 2005 में आई बंटी और बबली थी, जिसमें उन्होंने एक होटल के मालिक की भूमिका निभाई थी। बता दें कि यूनुस के माता पिता से संबंधित अधिक जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। यूनुस के कितने भाई बहन थे इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यूनुस की पत्नी से जुड़ी बातें भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, पर हम आपको ये बता दें कि यूनुस के 6 बच्चे हैं। इनके बड़े बेटे भी रंगमंच के एक सक्रिय कलाकार हैं।
इनके दूसरे बेटे अरशद खान ने फिल्म निर्देशन में किस्मत आजमाई थी, पर इसमें उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ यूनुस को डायबिटीज की गंभीर समस्या हो गई थी। आखिरकार 11 जनवरी 2007 को यूनुस डायबिटीज के कारण जिंदगी की जंग हार गए और अपने परिवार एवं प्रशंसकों को पीछे छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भले ही यूनुस परवेज हमारे बीच नहीं है, पर अपने सटीक अभिनय से दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ने वाले बॉलीवुड के लाला जी यानी यूनुस अपनी प्रतिभा के कारण अमर हो चुके हैं। तो ये थी अभिनेता यूनुस परवेज के जीवन से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस कलाकार से जुड़ी बायोग्राफी आने वाले वीडियोस में देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।